हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे उड़द की दाल, जो गुजरात में सबसे ज़्यादा फेमस है और सर्दियों के सीज़न में खाई जाती है। मैंने मेरी उड़द की दाल को पहले से ही बाफ के रखी है। इसके लिए मैंने हाफ कटोरी उड़द दाल ली है, हाफ कटोरी टोमेटो, हाफ कटोरी ग्रीन ऑनियन और चिली और गार्लिक, 1 टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून हींग, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और हल्दी, नमक, गुड़ और इमली का पेस्ट और ऑयल, रिफाइंड ऑयल। आप देख सकते हैं कि मेरी उड़द की दाल अच्छे से पक गई है। अब मैं इसको ब्लाइंडर से पीस लूँगी ताकि उसके दाने जो थे वो ग्राइंड हो जाए। इसको अच्छे से हमें ग्राइंड करना है। इसके बाद हम इसके लिए तड़का रेडी करेंगे। तड़के के लिए मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। और इसमें हम जीरा ऐड करेंगे और हींग ऐड करेंगे और लहसुन और चिल्ली का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड किया है। उसको मिला के अब हम इसमें ग्रीन ऑनियन ऐड करेंगे। ग्रीन ऑनियन को अच्छे से मिलाएंगे। अब मैं इसमें टोमेटो ऐड करूंगी जो हमने काट के रखे थे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें पहले से नमक गार्लिक के साथ पीस के रखा था। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे, धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसको मिला लेंगे। इसके बाद हमने जो इमली का पेस्ट बनाया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको मिलाएंगे। उसके बाद हम गुड़ भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड, इसको हमें तब तक पकाना है कि इसका ऑयल उससे अलग ना हो जाए। देख सकते हैं कि इसका ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसमें उड़द की दाल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इसको हिलाते ही रहना है, नहीं तो आपकी उड़द दाल नीचे बैठ जाएगी। अगर आपको उड़द की दाल गाढ़ी लगती है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मेरी उड़द की दाल अभी गाढ़ी है तो मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। आप नॉर्मल पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसको फिर से उबाल आने देना है, तो आपका पानी फिर से उबल जाएगा। इसके साथ इसको उबलने देना है। आपको 5 मिनट अच्छे से इसको उबल के रखना है। आप देख सकते हैं कि हमारी उड़द की दाल में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हमारी उड़द की दाल अच्छे से पक गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। हमारी उड़द की दाल बनके रेडी हो गई है। अब हम इसको परोसने के लिए एक कटोरी में निकालेंगे। हम इसको बाजरे की रोटी के साथ ही परोसेंगे क्योंकि इसका टेस्ट उसके साथ ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो गेहूं की भाकरी जो बनती है उसके साथ भी आप उसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको बाजरे की रोटी के साथ सबसे ज़्यादा खाया जाता है और साथ में मसाला छाछ रहेगा तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन ऑनियन भी साथ में रखा है। अब मेरी उड़द की दाल खाने के लिए रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको
मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू फ्रेंड।